24 घंटे में उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें गंजम के जगन्नाथ प्रसाद में 55 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है सोनपुर का 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर का 38.1 और कटक का 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वो उड़ीसा के जो हॉटेस्ट प्लेस है उसमें 7 दिन का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है, उसमें सोनपुर के अलावा बलांगीर में 43 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल में 42.7 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और मैक्सिमम टेम्परेचर के डिपार्चर की सामान्य से कितना डिपार्चर हुआ उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा बारीपदा में 3.9 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 1.1 डिग्री सेल्सियस और कटक में 0.9 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर दर्ज किया गया। अगर बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर 24 आवर में चेंज की तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव में चेंज नयागढ़ में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, रायगढ़ में टेम्परेचर नीचे गया तो 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 0.1 और कटक में 1 डिग्री सेल्सियस का 24 आवर चेंज देखा गया मैक्सिमम टेम्परेचर में। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन अगले 5 दिन तक उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है, जिनमें से डे 1 यानी कि आज मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर, कंधमा, कालांडी, रायगढ़, गंजम, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार से कल यानी 18 तारीख को भी मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर और साउथ उड़ीसा में इन जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस तरह डे 3 में भी जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, डे 4 में भी और इसी प्रकार से डे 5 में भी कोस्टल उड़ीसा पूरा और बाकी जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 1 यानी आज उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थान पर बिजली के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ बिजली चमकने की येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें मयूरभंज, बालासोर, क्योंझर, कंधमाल, रायगढ़, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर और मलकानगिरी शामिल है। इस तरह डे 2 में भी येलो कलर की वार्निंग दी गई है इन डिस्ट्रिक्ट में और डे 5 में भी कुछ जगह पर एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने की येलो वार्निंग दी गई है। फिलहाल उड़ीसा के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर में अगले 5 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है, तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है और वो अबव 2-3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहेगा एंटीज में अगले 4-5 दिनों तक और भुवनेश्वर का जो टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।